हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए खुशबू रसोई की चैनल को और बेल आइकॉन को दबाएं डिलीशियस एंड टेस्टी रेसिपी सबसे पहले देखने के लिए। वेलकम टू माय चैनल खुशबू रसोई की। आज मैं बनाने वाली हूँ ब्रेड आमलेट। तो माय डियर फ्रेंड, आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, क्योंकि ब्रेड आमलेट आप बड़ी आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए मैंने इसमें टिप्स बताया है। तो आए देखें हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। एग, बारीक कटे टमाटर, बारीक कटा प्याज, बारीक कटी हरी मिर्च, हल्दी, रेड चिली पाउडर, गरम मसाला, काली मिर्च पाउडर, सॉल्ट। और ये ब्रेड है, मैंने ब्राउन ब्रेड का इस्तेमाल किया है। आप अपने पसंद का कोई भी ब्रेड इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैंने लिया है ये बटर। मैंने बाउल में पहले ही से ही एग को ब्रेक करके रख लिया है। अब हम इसमें डालेंगे ऑनियन, टमाटर, सॉल्ट, ब्लैक पेपर, हल्दी, रेड चिली पाउडर, हरी मिर्ची बारीक कटी हुई। मैंने आपको बताना भूल गई थी, मैंने इसमें बारीक हरा धनिया भी डाला हुआ है काट के। अब हम इसे अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। सबसे पहले मेरी टिप्स यही है कि इसमें आपको एग पहले से बीट करने की ज़रूरत नहीं। जैसे ही आप इसमें ऑनियन और दूसरा मसाला डालेंगे, ये उसी टाइम ऑन द स्पॉट जल्दी से बीट हो जाएगा। ये हमारा बैटर तैयार हो गया है। अब मैंने पहले से गैस ऑन करके गैस पे फ्राई पैन रखा हुआ है। फ्राई पैन में हम सबसे पहले बटर डालेंगे। बटर मेल्ट होते ही हम इसमें ब्रेड के स्लाइस रखेंगे। ब्रेड को हम अच्छी तरह से रोस्ट कर लेंगे। इसे ज़्यादा हमने रोस्ट नहीं करना है, इसे हम हल्का सा ही रोस्ट करेंगे। ब्रेड को हम दोनों तरफ से पलट के रोस्ट करेंगे। इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, नहीं तो आपको फिर पता नहीं चलेगा कि इसमें टिप्स मैंने क्या बताई है। आप वीडियो को पूरा अच्छी तरह से ध्यान से देखिए। जब आप भी इसे ब्रेड का आमलेट बनाएंगे तो आपका भी बिल्कुल भी ब्रेड का आमलेट टूटेगा नहीं, इसलिए आप इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। अब हम ब्रेड को दोनों साइड से पलट पलट के रोस्ट कर लेंगे। ये ब्रेड हमारे रोस्ट हो चुके हैं, अब हम इसे निकाल लेंगे। उसी फ्राई पैन में हम 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। ऑयल को हम फ्राई पैन की मदद से फैला देंगे। अब हम इसमें डालेंगे एग वाला बैटर। बैटर को हम फ्राई पैन से अच्छी तरह से फैला देंगे। अब हम इसमें रखेंगे ब्रेड। दूसरे साइड उसे ब्रेड को पलट लेंगे ताकि आमलेट का फ्लेवर ब्रेड में अच्छी तरह से आ जाए। अब हम आमलेट को ब्रेड के ऊपर पलटेंगे, चारों तरफ से हम पलटेंगे। अभी आपने ध्यान से देखना है कि हमने कहाँ पे हमारी मिस्टेक होती है कि जिससे हमारा ब्रेड का आमलेट जो है टूट जाता है। अब हम इसे पलटेंगे। ये देखिए, ये ब्रेड का आमलेट तैयार तो हो गया है, लेकिन ये जो आमलेट है टूट गया है, तो ये सही नहीं बना है। तो चलिए, मैं आपको इस बात की आपने कोई टेंशन नहीं लेनी, मैं आपको दूसरा ब्रेड आमलेट बना के बताती हूँ कि किस तरह से बनाना चाहिए और कहाँ पे हम मिस्टेक करते हैं। मैं दूसरा आमलेट बनाना बताती हूँ आपको किस तरह से बनाना चाहिए। सबसे पहले मैंने इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल डाला है। ऑयल को चारों तरफ से फैला देंगे। अब हम इसमें डालेंगे एग वाला बैटर। बैटर को हम फ्राई पैन की मदद से चारों तरफ से फैला देंगे।
अब हम इसमें रखेंगे ब्रेड, ब्रेड में आमलेट का फ्लेवर टच अप हो जाए, फिर दूसरी तरफ हम पलट देंगे ब्रेड को। तो यहाँ पे आप जब बैटर को पलटते हो एग के, तो इस तरफ ध्यान रखें कि जब ये थोड़ा सा ड्राई हो जाए तब आप इसे पलटें। ये देखिए ये एग वाला जो बैटर था वो ड्राई हो चुका है, अब हम इसे बड़ी आसानी से पलट सकते हैं। और ये जो बैटर है ये और पतला होना चाहिए, जो पहले वाला था हम लोग का बैटर वो मोटा था, ठीक था, इसलिए वो पलटते समय टूट गया था। अब देखिए पतला है, कितनी आसानी से पलटा जा रहा है। हम इसी तरह से चारों तरफ से इसे पलट देंगे। अब हम इसे ब्रेड के आमलेट को दूसरे साइड से भी पलटेंगे, उसे भी रोस्ट कर लेंगे। हाथ की मदद से इसे पलट रही हूँ। हमारा ब्रेड का आमलेट बिल्कुल रेडी हो चुका है। इस टिप्स को आजमाएंगे तो आपका ब्रेड का आमलेट कभी भी टूटेगा नहीं। आप ब्रेड के आमलेट को टमेटो सॉस या हरी चटनी के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। डियर फ्रेंड, आप सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है इस पर। और ये घर पे मेरी रेसिपी को आप जरूर बनाएं। कैसी बना है ब्रेड का आमलेट हमें ज़रूर बताएं कमेंट्स करके। खुश रहें और अपना ध्यान रखें, और मेरे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।